तो क्या रहे जानी, हम चल दिए अपने जिम है भाई। मौसम ने बाइक पे चला जाएगा। अरे बाइक पे चला तो जाऊं, पर फिर हेलमेट पहनो। चोटी चोटी रड़ दी है बीच में। चोटी सर्दियों में तो टोटली जिम ऑन बाइक ब्रो, चोटी हट जाती है ना यार, इसलिए थोड़ा सा है ना वो हो जाता है चाइनीज। ये तो समझे नहीं है मेरी बात ताने। तो आज का दिन शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज अब फुल पावर मूड में बाबा जानी, तो जिम चलते हैं सीधा। पहले जिम करते हैं, अपनी सेहत पर ध्यान देके फिर आगे का दिनचर्या देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं आज, कुछ अच्छा ही करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। हाँ भाई, क्या हाल है? हमारे ब्लॉग में आज नए गेस्ट आए हमारे साथ, दीक्षित जी। तो भाई खा लेते हैं, हम चिलीज आ गए। आगे का प्लान हम आपको बताएंगे। नहीं बताएंगे, नहीं बोल बोल बोल, उसमें वेटिंग नहीं हुई तो कर लियो भाई, आप भी करोगे भाई। ये भाई जानी जी, हो मेरा वो है छोटा बच्चा ना, मैं चलो आज मॉल चलेंगे घूमने, तो वाला सीन है। बॉलिंग करोगे ना? बॉलिंग बैटिंग ज्यादा करते हैं भाई, बॉलिंग तो लड़कियां करती हैं, हम तो बैटिंग ही खेलते हैं। बॉलिंग क्या नहीं मार्केट में गोल रेवेन्यू। जो एक ऐसी हो हमारे ब्लॉग लड़के का है। अच्छा, नजर लगाओ हमारे वो लोग चुप से गाते हैं, क्या कर रहे हैं पागल हो लिया एकदम। हमारी डाउट से जरा भाई भाई कहां पे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। मैं यूं कह रहा हूं जानी के मरोगे के कहा के, पर गुड, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी एंड जिम जाओ, अच्छा अच्छा खाओ और मौज काटो। ब्लॉग में ऐसे ही बोलूंगा भाई, खर्चा करवा रखा दोनों ने भाई, कुछ कर सारा। कोई गर्लफ्रेंड कोई गर्लफ्रेंड होती ना मेरी, इतनी खुश होती ना। अब कह रहे गेमिंग जोन लेके जाओ यहाँ भाई, ये वो लोग ये बेबी बालक बालक है, लोग में कुछ और है, सच्चाई में कुछ और। एक रुपए ना करता कंजूस से गुड़गांव का सबसे बड़ा। मैं यूं कह रहा हूँ कि सही में खेलोगे के बालक हो गए भाई। 3D देखेंगे, 3D देख लिया, करवा दिए 100 का 60। चलो खेल लेंगे, वैसे खेल लेंगे ब्लॉग में आके और दिखा दे, किन पे देख क्या बोलिए, खेल लेंगे भाई। अपनी अपना स्पोर्ट है आइस स्केटिंग, तो अगर ये आइस स्केटिंग करेंगे तो मैं रेडी हूँ, वरना सॉरी मर्दों वाले गेम खेल ले करो, कुश्ती उश्ती करो तो बताओ, कभी कमेंट ना करा भाई। चलो देखे हमारी किस्मत है या नहीं आइस स्केटिंग में, भाड़ा खो लिया हमने। 7वीं मंजिल पे आगे एक मॉल के, यहाँ से पूरा नीचे दिख रही है, यहाँ से दिख भाई कितना बड़ा मॉल है भाई रे। एक मॉल के यानी कि सीख गया तू ब्लॉगिंग, एक मॉल के, मॉल का नाम थोड़ा बताना है, फ्री की प्रमोशन थोड़ी ना करेंगे ब्रो। वैसे भाई अगर एम्बियंस वाले अगर मतलब पैसे वैसे दे दो तो बढ़िया प्रमोशन कर देंगे ना। हेलो भाई, आइस स्केट। चलो भाई कर लिया भाई, हो गया बढ़िया। पहली तय ब्याप से सच्चाई में दादी का सॉरी अभी पता ही आपको, ये देख के लग रहा है ना, पता है ये देख के समझ आ गया ना क्या कहाँ जा रहे भाई हम सब। गिफ्ट करूंगा इसको जो ये मांगेगा, छोटा भाई दिल खोल गया। क्या गिफ्ट करोगे वैसे? जो मांगो, और आप सब बीजे लिए भी ये ऐसे आउटफिट चाहिए गाने में भाई, बस पैसा बहुत है गाइस, पैसा ही पैसा हो रखा है। कैसे भाई 29 सेक्टर में क्या अपना रात को धंधा चलता रहे, गाड़ियों का धंधा है ये ऐसे आउटफिट भाई एक नंबर लगते है मेरे को, ये जो आउटफिट होता है ना एक नंबर। लोअर बहुत खतरनाक था बट गर्ल्स में था। अरे भाई मून लगा भाई, कोई वैसे स्टैचू बैठा रखा है, मैं लगा कोई स्टैचू बैठा रखा है भाई, बैठा स्टील माल भी का। यार जो अपनी पसंद है ना वो चीज मिल नहीं, और अपनी पसंद पर हटके ही होती है। ओ ये भाई साहब भाई, वो तो बेवकूफ है गंजी।
पूछो क्यों कनागत लगे हुए अपने हिंदू धर्म में, कई हो गए हमारे तो रहते कनागत में कपड़े नहीं खरीदते जाना। मेरे ब्लॉग बड़े बड़े, मेरी बुआ मतलब मेरे काफी लोग बड़े भी देखते हैं, तो उनको भी बता दूंगा कनागत में ऐसा कुछ नहीं होता, आपके पितर खुश होते हैं अगर आप अनफॉर्चुनेटली नई गाड़ी ज्वेलरी कुछ भी ले लो, यानी कि तुम्हारे ऊपर पितरों का हाथ है। तो आजकल इन चीज़ों में हैं हम, तो प्लीज़ डोंट आर्ग्यू ऑन दिस। भाई मेरी तो मम्मी का गोला था, देखो मेरे को इसको। अरे भाई लिखा तो ये भी है, अब मैं इंग्लिश में गया, लिखा तो ये भी है कि भाई पितरों में मतलब दोस्त के साथ भी नहीं घूमना चाहिए ना, पितरों में तो बोला घर घर बुलाओ मारो बैंड। दोस्त कहाँ है वाइफ मेरी, बाल बड़े कैडे कर रखे देखा बहुत बार। वो जो उसमें ये लिफ्ट में जो आपने वीडियो दी बनाया ना चाकू वाला, हाँ वो यही दल्ले मतलब यही भाई थे जिनके चाकू मारा था। हाँ बोल रहे थे फालतू, अरे लोग कर ली लोग में भी इनको हॉस्पिटल लेके गया था, लोग में भी नाम बता दो अपना, देख ले नाम बताओ ठीक है क्या, ये क्या था मेरा नाम थी। और भाई आपका, मेरा नाम अर्जुन। हाँ लो सारे के सारे देख लेना ठीक है, बोल जय बाबा जानी की जय, बाय गाइस लव यू। और 10,000 होल्ड पे है, 5 पेटी होगी ना, अभी बताता हूँ जानी किस चीज की बात हो रही है। ये हमारे भाई हैं जो आए हैं कार इन थर्टी से आए हैं हमारे भाई, और हमने अपनी डॉक्यूमेंट तो के दिखाऊं, खैर अपना अपना हिसाब ऐसा नहीं है, हमने अपनी क्रेटा सेल कर दी, यस समथिंग बिग इज कमिंग नाउ बट आफ्टर सम टाइम, एंड दे दी हमारे भाई को, दे दी भाई आए लेने गाड़ी, जेम ऑफ द पर्सन, आई लाइक इट हाउ यू ट्रीट अस ब्रो, एंड ठीक है अब थोड़ी देर में अपनी गाड़ी को विदा करेंगे। भाई मैं रोऊंगा तो संभाल लेना यार, मेरी यादें जुड़ी है यार, 7 साल की है ना, क्रेटा का भी मॉडिफाई कराई थी हमने बढ़िया तोड़ एकदम, बाकी चलो ठीक है सबका टाइम आता है, और इसको भी बाय बाय करते हैं, बट बड़ा प्यार दिया हमें इस गाड़ी ने, एंड थैंक यू सो मच कार इन 30, थिंक फास्ट एक्ट फास्ट, और इन्होंने एक्ट सच में अच्छा फास्ट करा है, प्रमोशन कुछ नहीं है, सच में इन्होंने अच्छा एक्ट करा है, हमने एक दो जो हमें डील मिली थी वो बेकार मिली थी, और उनको फिर हमने बाय बाय कर दिया, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा फिर ज़्यादा हो जाऊँगा, ठीक है। तो जानिस इसके बाद चलेंगे, चलो भाई कर देते हैं इसको बाय बाय, टाइम टू से गुड बाय, अपनी धनों के साथ एक आखिरी फोटो खिंचवा ले, she's going, thank you so much my lovely car, we are car lovers and thank you, hame itne saal aapne pyar kara, love you my car, I love you so much, love you so much, bye bye, nahi gaadi lenge, bye bye, love you, I love kids, I love you brothers and brothers hi hai tum, aur to ke kahun, gail chad gaya khana kha ke, sahi bataun to bhai जाऊं अपनी मसाज लेऊं घर जाके, कार हमने सेल कर दी है अपनी लवली क्रेटा, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यार कार के साथ एक अटैचमेंट हो जाती है वाक्य में ही, बिकॉज़ आई लव कार, पेट्रोल हेड है हम, वी डोंट प्रे फॉर लव, वी जस्ट प्रे फॉर कार्स। यार जानी से एक गड़बड़ हो गई, शूट हो रहा है ना, हाँ शूट हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ एक गड़बड़ हो गई, मेरे को ना आप लोगों को दिखाना था कि मतलब क्रेटा जा रही है एंड शी वेंट अवे, बट वो भाई ने एक कट ले लिया, हेलो 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 अच्छा, तो उन्होंने एक कट पहले ले लिया क्योंकि उनको बाहर बाहर से जाना था शायद, तो चलो कोई बात नहीं, बाकी तो मैंने कर ही लिया, मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि मतलब कितना अटैच हो जाता है आदमी एक गाड़ी से, भाई किसी और का तो नहीं पता, मैं बहुत हो जाता हूँ यार, गाड़ियाँ इस गाड़ियाँ यू नो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, हमें फेम दिलाती है काफ़ी चीज़ें यू नो, एंड बस यही कहना था, यही बताना था अपने जानी इसको, है ना, बाकी घर चले थोड़ी दही मसलवा में क्योंकि दर्द हो रहा है, आज शोल्डर भी हैवी मार ली थी सुबह का, मैं आपको रूटीन दिखा नहीं पाया क्योंकि अगर आई फॉरगॉट जिम में इतनी मस्ती हो रही थी कि आई फॉरगॉट, बाकी बहुत ट्रैफिक हो रहा है, मैं फोन नीचे रख देता हूँ, इट्स नॉट सेफ, वैसे मेरे हाथ में एवरीथिंग इज सेफ बट इट्स नॉट सेफ राइट नाउ, बहुत ज्यादा ट्रैफिक और फोन भी बहुत आ रहे हैं, खा लिया इसने, एक तो इसने खा लिया हम तो डल्ला साला, राहुल कमेंट कर दो एक बार सारे मेरे जानी से, देखो मेरी बेबी डॉल
जिम के बाद से बाहर खड़ी है एंड आई डोंट लाइक, इसको करते हैं सबसे पहले अंदर। इतने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दो, थोड़ा प्यार दिखा लो, छो मत दुआओ। मैंने जय श्री राम। हाँ हाँ हाँ, इसमें बैठ कर तो एक अलग ही फील है। ओके जानी, ज्यादा पका रहा हूँ गे, यही तो काम है अपना। ले भाई, अपनी करवा मसाज भाई थे, हमारे प्यारे भाई आ चुके हैं, पर्सनल है ये। ठीक है भाई, रगड़ दो आज, मैं चार्जिंग पे लगाऊं फोन। ये दर्द है, ये नसे, ये गड्ढा हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। जसवंत यादव ही कहता। थैंक यू सो मच भाभी फॉर मेकिंग दिस पेने पास्ता एंड राइस। कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ वैसे इसका। क्या ये क्या बना है? मशरूम एंड कैप्सिकम, क्रीमी मशरूम एंड कैप्सिकम एंड फ्राइड राइस, हर्ब राइस। ठीक है, कौन है इंग्लिश मीडियम हो भी भाभी? रेसिपी भेजी थी मैंने, खा लेते तो निकलते हैं, आज काम है। ये बात है, मैं क्या कह रहा हूँ जानीज, हम जा रहे लेपर ट्रेल, टाइम पास ना हो रहा था घर में, राहुल रेडी तो है ही सुबह तो ही, देख रहा 5 साल पुराने जूते है। मैं रोक क्या था तो रोक लियो भाई, लेपर ट्रेल जा रहे हैं, ट्रेल जा रहे हैं भाई, असलाम भी रखते हैं छोटे, अचार सही था मैं, अचार सही था मैं। बाकी मैं क्या कह रहा हूँ जानी, हम लेपर ट्रेल जा रहे हैं एंड आज का हमारा बकचोदी वाला ब्लॉग कैसा लगा वो आप कृपया करके बताइए, ऐसी बकचोदी हम कृपया बनाए रखेंगे। हाँ भाई, यहाँ से यू टर्न ले लो, हम टोल क्यों दें, पैसे बचाएंगे, पैसा कितना भी हो, जो आदमी पैसा बचाता है ना वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बाकी अब हम आपको रात का लेपर्ड ट्रेल, गुड़गांव लेपर्ड ट्रेल का रात का व्यू दिखाते हैं, शायद कोई लेपर्ड मिल भी जाए, ना मिलेगा तो भाई को बना देंगे। नींद आ रही है भाई, यार तो बोर हो रहा है आज, इन्होंने गद्दार घोषित कर दिया। गद्दार ये है वो, हम व्लॉग में बता नहीं सकते गद्दार क्यों है, समझदार को इशारा काफी है, मेरी जानी इस फैमिली समझ जाएगी कि गद्दार ये क्यों है, क्योंकि भाई टू तो टू ही रहते हैं, टू टू टू। लेपर ट्रेल मिलते हैं, बाय। दोस्त वो होता है जो दोस्त की फीलिंग समझता है, दोस्त वो होता है जो दोस्त का कहते ही पेंट उतार दे, वो मान गया। लेकिन एक दोस्त वो होते हैं जो एक थोड़ी सी देर एंजॉयमेंट के लिए एंजॉय कर रहे हैं भाई, हम नू बता दे सुबह तक कोल्ड कॉफी और बिना केक के पी आगे तू हमने ले आ रहा है, कोई ढंग की चीज भी है ठेके पर रोक, फ्रीजर पियेंगे वाइन पियेंगे, वही तो दिक्कत है, पीते नहीं है, पीते नहीं है भाई, हम तो पीते हैं, हम तो वाइन पीते हैं भाई, भाई हम पियो भाई दबा के दो दारू की बोतल पी रखी, यो पीवे जानीज, यो पीवे मूत। और हम मिलते हैं ओ भाई देख, और हम मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। दिस इज व्हाई आई लव माय हरियाणा सी। और ये सारा काम पता है किसने करा है? हमारे प्यारे एमएलए, अपकमिंग एमएलए राव नरवीर सिंह यादव, अपने अंकल जी। मौसम रात के बज रहे 12 गाइस, और अगले इलेक्शन में बताना चाहता हूँ मैं, जो ब्लॉग कर रहा है इसको उठा रहे हैं भाई, तो जो मेरे दोस्त जैसा मेरे दोस्त चाहेंगे वो मैं करूँगा। तो पहले बता देता हूँ, इसके डल्लू डल्लू मारना मार लो, वो मंत्री बनेगा। भगवान करे तेरी बात सच हो जावे, लेकिन एक बार मैं वेदर दिखा। तो भाई ये बज रहे हैं रात के 12, और बस इस व्लॉग में मुझे यही बताना था कि बाबा जानी कहीं ना मिले तो बाबा जानी मिलेगा यहाँ, क्योंकि जीवन में दो चार दुख ओए जीवन में दो चार दुख रहे हैं, वो कभी कभार अकेले सहने पड़े, हम यहाँ आ जाते हैं कभी कभार, मैं अकेला भी आ जाता हूँ, हालांकि राज तो हमेशा ही होता है साथ, बट दिस इज द व्यू सी। हमारी आज किस्मत अच्छी है कि इतना अच्छा मौसम है। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले अपने प्यारे बाबा जानी को, आपका अपना चैनल है, एंड लव यू सो मच गाइज। एंड हमारा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा? ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज एंड मॉडिफिकेशन वाली तो चीजें आने वाली हैं, तो लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। मेरी फ्लाइट आ गई मुंबई की।